संपत्ति की कुल अनुमानित मूल्य लगभग 1,21,00,000 है। हरिमोहन यादव एक नामित भू माफिया है के विरुद्ध एक लंबा आपराधिक इतिहास है। लगभग 2,00,00,000 की उनकी संपत्ति को आज कुर्क कर लिया गया। धर्मनगरी चित्रकूट में गैंगस्टर अपराधी व पूर्व प्रधान हरिमोहन यादव के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 2,00,00,000 की संपत्ति कुर्क कर ली है। आपको बता दें कि गैंगस्टर के अपराधी व नेता शहर के रोड़वारा का रहने वाला है। इसके खिलाफ पुलिस ने कुछ महीने पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया था। हरिमोहन यादव एक नामित भू माफिया है चित्रकूट के, जिन्होंने बहुत सी जमीनों पे, खासकर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनकी ज़मीनों पे लंबे समय से कब्जा किया जा रहा था। इनके विरुद्ध एक लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके बहुत से परिवार के सदस्य भी इसमें संलिप्त हैं। तो इनके विरुद्ध कड़े प्रयास के बाद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोग नामित हैं। 2 भाई हरिमोहन एवं उनके भाई अभी जेल में हैं और 3 फरार हैं जिनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के क्रम में ही बहुत मेहनत से इनकी जितने भी अवैध गतिविधियाँ हैं उनका पता लगाया गया और उससे जितनी भी अवैध संपत्ति इनके द्वारा सम्मिलित की गई है उसका पता लगाया गया एवं डीएम साहब और प्रशासन के सहयोग से आज उसकी कुर्की करा ली गई है और लगभग 2,00,00,000 की उनकी संपत्ति को आज कुर्क कर लिया गया है। इससे हमें यही उम्मीद है कि उनका जो एक लोकल प्रभाव है उसको तोड़ने में हम सफल रहेंगे, क्योंकि उनके जेल में होने के बावजूद भी उनके प्रभाव की शिकायतें आती रहती थी लोगों को डराने धमकाने की। तो उनका जो एक साम्राज्य यहाँ चल रहा है इस कुर्की से हमें उम्मीद है कि उसको तोड़ने में सफल रहेंगे। गैंगस्टर अपराधी हरिमोहन द्वारा चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी, जिसको पुलिस ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 510/22 अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 संबंधित अभियुक्त हरिमोहन यादव निवासी लोडवाला तथा इनके गिरोह के सक्रिय सदस्यों द्वारा आपराधिक कृत्य कर लोगों में भय एवं आतंक व्याप्त करके अर्जित धन से जो धन संपत्ति चल या अचल संपत्ति अर्जित की गई थी उसको आज 14(1) की कार्यवाही के अंतर्गत उसे आज जब्ती करने की कार्रवाई श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा की गई है। इस संपत्ति की कुल अनुमानित मूल्य लगभग 1,21,00,000 है। हरिमोहन यादव के खिलाफ कुल 16 अभियोग पंजीकृत हैं। चल संपत्ति में टोटल 6 हैं तथा अचल संपत्ति में टोटल 8 हैं। आगे भी जनपद चित्रकूट में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध हमारी चित्रकूट पुलिस की कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी।